दोस्तों जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कारगिल युद्ध के हीरो की सच्ची कहानी। 17 गोली लगने के बाद भी एक सिक्के ने बचा ली जान, जानिए पूरी दास्तान। दोस्तों कारगिल विजय दिवस के दिन हम इस युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते रहते हैं, लेकिन कई बार वीर सैनिक ऐसे भी हैं जो वीरता से लड़े और आज अपनी वीर गाथा सुनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। उन्हीं में से एक हैं कारगिल वार के वीर योगेंद्र सिंह यादव, जिनकी जान महज एक सिक्के ने बचा ली थी। इन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए हिल टॉप पर भारत की शान तिरंगा को लहराकर साबित कर दिया था कि भारत वीरों की भूमि है। आज उस घटनाक्रम को पूरे 23 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी यादें आज भी उनके जहन में जिंदा हैं, जिसे याद कर वो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कारगिल युद्ध याद करते हुए योगेंद्र बताते हैं कि वो 20 मई 1999 का दिन कभी नहीं भूल सकते। उस समय उनकी उम्र महज 19 साल थी और ड्यूटी को ज्वाइन किए उन्हें सिर्फ 2.5 साल हुए थे। मैं अपनी शादी जो 5 मई को थी उसके लिए छुट्टी लेकर गांव आया था, लेकिन 20 मई को मुझे हेडक्वार्टर से बुलावा आया। मुझे बताया गया कि मेरी बटालियन को द्रास सेक्टर तोलोलिंग पहाड़ी फतह करने का टास्क दिया गया है, जो पाकिस्तान के कब्जे में थी। मेरी बटालियन ने चोटी तक पहुंचने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी, जिसमें 22 फौजी शामिल थे। मेरे साथ देते हुए मेरी पलटन ने 5 पाकिस्तानी जवानों को ढेर कर दिया था, जिससे हमारा रास्ता साफ हो सके। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने मेरी बटालियन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन कैसे भी करके मैं अपने 7 जवानों के साथ हिलटॉप तक पहुंच गया था। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन हमारे पास बारूद बहुत कम मात्रा में मौजूद था, इसलिए हमने उन्हें चकमा देने के लिए अपनी कई साइड से फायरिंग बंद कर दी थी, जिससे पाक फौज असमंजस में पड़ गई। उन्हें यह लगा कि हमारी बटालियन के सारे जवान मारे गए हैं और अपने प्लान के मुताबिक हमने अचानक से उन पर हमला करके कई पाक जवानों को ढेर कर दिया, जिनमें से कुछ जवान अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। वहां हिलटॉप पर पहुंचकर हमने तिरंगा फहरा दिया और जीत का जश्न मनाने लगे। लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर तक टिक न पाई, क्योंकि करीब 35 मिनट बाद पाक फौज ने हमारे ऊपर दोबारा हमला कर दिया, जिसमें आमने सामने को जंग शुरू हो गई। लेकिन पाक सैनिक अधिक मात्रा में थे, जिसके चलते मेरे साथी मेरी आंखों के सामने मारे गए, जिसमें मैं भी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा था। मेरे हाथ पैरों में कई गोलियां लग चुकी थी। हम सबके ढेर होने का पाक सैनिकों ने खूब फायदा उठाया। उन्होंने मेरे साथियों के पार्थिव शरीर के साथ बर्बरता करना शुरू कर दिया। शहीद सैनिकों पर बेहिसाब गोलियां दाग दी और उनको बूटों से बुरी तरह से कुचला गया। मैं बेसहारा जमीन पर पड़ा सब देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे। तभी उनमें से एक सैनिक मेरे पास आया और उसने मेरे हाथ पैरों पर गोलियां दाग दी, जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ। उसी समय उसने एक गोली मेरे सीने में भी मार दी, लेकिन मेरी पॉकेट की जेब में कुछ सिक्के पड़े थे। उन सिक्कों ने भगवान बनकर मेरी जान बचा ली। जब मुझे गोली पड़ी तब मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने मेरी जान बचा ही ली। हाथ में गोली लगने की वजह से मेरा हाथ सुन्न पड़ गया था, जिसे मैंने उखाड़ने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में ज्यादा ताकत नहीं बची थी तो ये काम न कर सका। इस समय मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी मौत नहीं हो सकती, जिसके बाद मैंने अपने दर्द को भूलकर पाक फौज से बदला लेने की ठान ली। हिम्मत जुटाकर मैंने रेंगना शुरू कर दिया और अपने साथियों के पास गया, लेकिन अफसोस मेरे सभी साथी मारे गए थे। उन्हें ऐसे देख मैं बहुत रोया। उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही ग्रेनेड बचा था। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसे खोल कर फेंक सकूं, लेकिन फिर
भी मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खोलने के दौरान मेरे पास ही फट गया। हालांकि मैं उससे बच गया था। इसके बाद मैंने अपने साथी की राइफल उठाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया था और एक नाले से लुढ़कते हुए मैं नीचे आ गया। उस समय मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने कि कैसे भी करके खुद को भारतीय सेना के बेस कैंप तक पहुंचा दिया, जहां पहुंचकर मैंने अधिकारियों को पाकिस्तानी फौज की पूरी प्लानिंग के बारे में बता दिया और महज आधे पैकेट बिस्किट पर मैं 72 घंटे जिंदा रहा था। 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी बटालियन ने टाइगर हिल पर टॉप पर कब्जा कर लिया है और वहां तिरंगा फहराकर कारगिल युद्ध में विजय हासिल कर ली है। ये जानकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, ये थी हमारे कारगिल युद्ध के वीर जवान योगेंद्र यादव की कहानी। अगर कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करें और हमारे देश की सेना के लिए आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। कहानी को सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।